एफआईआर के 3 घंटे के अंदर चोरी करने वाले एक आरोपी को कुम्हारी पुलिस ने किया गिरफ्तार। शनिवार को कुम्हारी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रामनगर कुम्हारी निवासी धनेश साहू ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि शुक्रवार की रात अपनी दुकान बंद कर घर चला गया। शनिवार को सुबह दुकान में आकर देखा तो दुकान का ताला टूटा पड़ा था। अंदर जाकर देखने पर दुकान में रखा 25 चैनल मोटरगार्ड प्लेट एवं अन्य तकरीबन 20,000 का सामान गायब था। प्रार्थी की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी गई। इसी दौरान दीवार पारा कुम्हारी निवासी डॉन दीवार को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। वहीं कुम्हारी थाना प्रभारी पीडी चंद्रा ने बताया कि आरोपी पर धारा 380 457 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया है। दिनांक 28/7/2022 की दरमियानी रात्रि हमारे कुम्हारी ने जो साहू मोटर बड़ी दुकान है वहाँ कुछ लोहे का स्क्रैप सामान कीमती लगभग 20,000 रुपये की चोरी हुई थी, जो एफआईआर के बाद में आरोपी को पता तलाश करते हुए मुखबिर जरिए मुखबिर पता चला कि एक आदमी जो है रात में अपने रिक्शा में रख कर कुछ लोहा को ले गया है। तो उसका पता करते करते जब पकड़ा गया आदमी का नाम दान देवार, पिता खिलावन देवार, उम्र 50 साल कुम्हारी है। इसको गिरफ्तार करके सामान के साथ गिरफ्तार किया, सामान को बरामद करते हुए उक्त आरोपी को रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बहरहाल इस पूरे कार्रवाई में कुम्हारी थाना प्रभारी सहित उनके पूरे टीम की सराहनीय भूमिका रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।